ओके गाइस, तो अभी मैं सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ कॉलेज। कॉलेज पहुँच के दिखाता हूँ कि कौन से कॉलेज में हूँ, कौन सा कोर्स कर रहा हूँ। भाई फाइनली एडमिशन हो गया मेरा, साल ओपनिंग हुआ, मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक्साइटेड भी हूँ कि पहला दिन है कॉलेज का। वैसे लेट हो गया हूँ मैं, 1 महीने बाद जा रहा हूँ कॉलेज, स्टार्ट हो गया था अक्टूबर में, मैं जा रहा हूँ नवंबर में, 1 महीना लेट हो गया, पर कोई बात नहीं, चलते। अभी मैं ये ब्रेकफास्ट करता हूँ, केला और दूध, इससे पहले नहाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं कॉलेज के लिए, ठीक है? क्योंकि 8 बजे रहे, 9 बजे का कॉलेज है और 20 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो मुझे 45 मिनट्स तो पहुँचने में लग जाएगा आराम से, तो चलो चलते हैं। और हाँ यार, आज जिम नहीं जा पाया अब क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो गया है, तो मुझे पूरा शेड्यूल करना पड़ेगा अपना टाइम, कि जिम में सुबह जाऊँ कि शाम को जाऊँ, कैसे क्या करना है वो आके डिसाइड करेंगे। तो फिर जल्दी से तैयार होता हूँ, ठीक है? क्योंकि टाइम बहुत कम है, 10 मिनट में निकलना है मुझे। गाइस, अभी मैं तैयार हो गया हूँ और ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। 8-10 ही हो गया, मुझे कम से कम 40-45 मिनट्स लगेगा कॉलेज पहुँचने में क्योंकि 20 किलोमीटर दूर है, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद सीधे मिलते हैं इधर कॉलेज में शायद, अगर शूट करूँ तो। तो यही सीन है अभी का। गाइस, कॉलेज में अभी लाइब्रेरी से आ रहा हूँ, एडमिट कार्ड ही बनाना, तो इसलिए अभी बाहर ही घूम रहा हूँ। ये देख सकते हो सीन यहाँ नीचे का, भाई ऐसे अलग ही फीलिंग है कॉलेज की। गाइस, अभी मैं कॉलेज में हूँ, ये देख सकते हो सीन, लंच चल रहा है अभी। मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत सारे लोग हैं, भाई मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, क्योंकि अभी पहले दिन है, ऑफकोर्स फ्रेंड्स सेंस तो है नहीं, मेरे जितने क्लासमेट थे पता नहीं सब इधर उधर भाग गए थे क्योंकि मेला लगा हुआ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। अभी मैंने लंच तो कर लिया, अभी बस टहल ही रहा हूँ क्योंकि अगली क्लास 2 घंटे बाद है भाई। पहला दिन इससे सारी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, उसके बाद तो कौन ही करता है। ओके गाइस, अभी मैं अपने क्लासमेट के पीछे पीछे जा रहा हूँ, पता नहीं किधर जा रहे लोग क्योंकि अभी क्लास होने में 1 घंटा बचा है। अभी टहल ही रहे हैं, ऐसे मैं कॉलेज घूम ही रहा हूँ, देखते अभी क्या करते हैं। पहला दिन है, थोड़ा सा अच्छा गया वैसे मेरा, पहले तो अभी ख़त्म नहीं, 1 क्लास बची है, उसके बाद चलते हैं घर। ओके गाइस, तो मैं आ गया हूँ कॉलेज से घर, भाई मज़ा आ गया, आज तो कॉलेज का पहला दिन था, जितना सोचा था मैंने उससे भी ज़्यादा अच्छा गया। मैंने नए फ्रेंड्स बनाए, 3-4 नए फ्रेंड्स बने हैं और लंच टाइम में मैंने क्रिकेट भी खेला, मतलब मज़ा आ गया। 9 से 4 टाइमिंग थी और मैं बता दूँ मैं BBD में पढ़ता हूँ, BBD में एडमिशन लिया था मैंने और BCA कोर्स कर रहा हूँ, तो वही सीन है, 3 साल का कोर्स है ये। बहुत मज़ा आया मुझे, तो पहला दिन था, इतने बच्चे आए नहीं थे वैसे, मेरे ख्याल 70 बच्चे हैं, तो अभी 32 ही आए थे क्योंकि अभी सब रेगुलर आते हैं, एंड तक लंच के बाद तो उसमें भी आते चले गए थे, 15 बच्चे बैठे हुए थे, तो भाई अभी तो नया तो पूरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद तो लंच के बाद हम भी भाग जाएंगे घर। तो यही सीन है अभी, आज मतलब कल रात में एडिट करते करते मुझे 12 बज गया था, तो मैं सो ही गया, सुबह जिम नहीं गया क्योंकि कॉलेज में जाना था, तो वही सीन है अभी 6 बजे मैं जाऊँगा कॉलेज, कॉलेज कह रहा हूँ यार, कॉलेज ही दिमाग में भरा हुआ है। 6 बजे जाऊँगा मैं जिम, फिर जिम के आने के बाद फिर देखते हैं। अब मुझे ना बुक्स भी लेनी है, कॉपियाँ भी बनानी है, बहुत मतलब जिम का थोड़ा फंस रहा है यार, मैं ना अपना टाइम टेबल ना शेड्यूल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि सुबह जिम जाऊँ फिर कॉलेज जाऊँ, लेकिन मैं अपने फ्रेंड के साथ जाता हूँ, वो उठ ही नहीं पाता इतनी जल्दी, वो मुझे सुनाता है कि भाई इतनी जल्दी क्यों चल रहा है, तो वह भी सीन है, देखता हूँ क्या करना है। क्योंकि अगर मैं कॉलेज आने के बाद जिम गया ना, तो ना ही मैं कुछ कॉलेज के जो काम है, असाइनमेंट वगैरह, नोट्स वगैरह नहीं लिख पाऊँगा, मतलब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा पूरा दिन, बस यही रहेगा, सुबह उठा कॉलेज गया, कॉलेज से आया जिम गया, फिर घर आया खाना खा के सो गया, यही रहेगा। ना ही मैं कुछ पढ़ पाऊंगा, ना ही मैं कुछ गेमिंग वीडियो की चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊंगा, और ना ही कुछ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने आज गेमिंग चैनल की वीडियो कॉलेज में बैठ के एडिट करी थी लंच टाइम में, वॉइस ओवर अभी कर दूंगा क्योंकि ऑफकोर्स मैं ईयरफोन नहीं लेके गया था, वहाँ शोर भी इतना होता है, तो वही सीन है, वॉइस ओवर अभी करके अपलोड कर देंगे। तो वही मैं देख रहा हूँ कि सुबह ही जिम मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि शाम को जिम आराम से 2 घंटा तो ले ही लेता है, और आने जाने में 1/2 घंटा और मान लो, 2.5 घंटा तो ऐसे ही चला गया, तो वही सीन है। अभी देखते हैं क्या करना है, मुझे एक नया शेड्यूल प्रॉपर बनाना पड़ेगा जिसमें मैं जिम भी जा सकूँ और कॉलेज का नोट्स भी बना सकूँ, पढ़ भी सकूँ, और डेली दोनों चैनल पर वीडियो भी आ सके। तो अभी देखते हैं क्या करना है, अभी मैं कपड़े चेंज करता हूँ, थोड़ा आराम करूँगा। गाइस, तो अभी मैंने वो लास्ट वाला व्लॉग ना एंडिंग नहीं करी थी, मैं कॉलेज का पहला ही दिन था जैसे कि आपने देखा होगा, पहले मैं थक गया था और सो गया था, तो अभी ये 2 दिन बाद में शूट कर रहा हूँ, मैं एंड कर रहा हूँ उस व्लॉग को क्योंकि मैंने एंड नहीं किया था,
और ये पंखे की आवाज़ को इग्नोर करना, ये पावलो मैंने वो स्प्रे लगाया जो कि मैं लगाती हूँ आपको पता ही है। तो अगर आपने ब्लॉग देख लिया हो तो लाइक कर देना। आप बताओ कॉलेज का कैसा रहा मेरा दिन, मतलब पहला दिन। मैं ऐसे करके ब्लॉग इसलिए कर रहा था क्योंकि पता है उस टाइम बहुत सारे लोग आसपास थे, तो मैं नहीं आता कि उनको भी थोड़ा अजीब लगे कि शूट क्यों कर रहा है ये सब चीज़ें। तो वही चीज़ है, अभी दो दिन का ब्रेक लिया, पूरा शेड्यूल मेरा अलग हो गया है। पहले सुबह जिम जाता था, सुबह जिम जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है लेकिन हम ट्राई करेंगे क्योंकि कॉलेज से आने के बाद जिम जाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं चला भी गया तो उसके बाद फिर मैं नोट्स ही बना पाऊँगा, उसके बाद सेशनल्स आ रहे हैं, फिर सेमेस्टर होगा, तो ये सब चीज़ें। मैं सोच रहा हूँ कि सुबह ही जाओ जिम, ट्राई करते हैं जैसा होगा बता देंगे। और दो दिन का ब्रेक लिया मैंने, अब तो सीधा सैटरडे संडे दो दिन तो घर ही पे हूँ। फिर अब सोच रहा हूँ मैं सीधा मंडे से ही ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट करूँ या फिर कल से ही कर दूँगा, जैसा होगा ब्लॉग आ जाएंगे। तो अगर आपने ब्लॉग को एंड तक देख लिया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।